तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, ये कहते हैं कि इन द चिल्ड्रेन पार्क, बच्चों को छोटे छोटे पार्क होता है, बट यार बुजुर्ग और सभी लोग बच्चों का पार्क में चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो। हैवी वी रॉड पिवोटेड एट सेंटर एंड मेड टू रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये पूरा का पूरा रॉड ओमेगा से घूम रहा है, सच दैट रॉड रिमेन्स हॉरिजेंटल, हमेशा रॉड कर्व नहीं होता, हॉरिजेंटल होता है। टू किड्स, दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नियर द एंड रोटेट विद द रोप, मतलब विद द हेल्प ऑफ द रॉड और रोप के सहारे जो भी है, मास ऑफ द इच किड 15 kg, जो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो हर किड का जो मास दिया हुआ है वो 15 kg दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड विद द किड, ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस आर बनेगा, सेंटर बनेगा, और ये डिस्टेंस यहाँ सेंट्रल डिस्टेंस ऑलरेडी 3 m है। सपोज द रोटेट विद ए रेट 20 revolution per minute, जो जो ओमेगा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, जो रिवोल्यूशन है, हम इसको रिवोल्यूशन बोल देंगे, रिवोल्यूशन जो है वो कितना है बोलो, 20 revolution per minute है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है रिवोल्यूशन पर सेकेंड होती है, तो 20/60 इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 20, फाइनली ये जो मुझे दिखेगा तो ये दिखेगा 1/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ए फ्रीक्वेंसी आ गया, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया, ये रेडियस आ गया, ये मास आ गया। तो चलो आगे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड, मतलब एक किड पे रॉड कितना फोर्स लगा रहा है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो चलो, एक जो बच्चा, एक किड है, ये वाला जो किड है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो मैं सूडो से कर रहा हूँ, आप सेंटीपिटल से भी कर सकते हो, मतलब ये जो फ्रेम रोटेट कर रहा है मैं इसी के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये अपना ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर है, तो ये इस पे सूडो किड पे, इस किड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये रहा किड, और ये हाथों से ऐसे पकड़ के रखा है, तो इसके इस पे जो नॉर्मल है इसके हाथों पे तो ऊपर लग रहा होगा, और वेट mg, इस किड पे वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही होगी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इस पे सूडो फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, mr ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये सूडो इधर लगेगा तो इसका हाथ जहाँ पर पकड़ के रखा है, सूडो इधर लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, तो फ्री ये हाथ इधर की डायरेक्शन में स्लिप करने की कोशिश करेगा, मैं उसी के फ्रेम से देख रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शन है वो इनवर्ड आएगा, अंदर की साइड में इधर आएगा फ्रिक्शन, तो ये अब ये है, इस टाइप से ये सर्कल में आराम से ओमेगा से घूम रहे हैं सब, ठीक है, इस टाइप से सर्कल में ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो mr ओमेगा की वैल्यू 2π फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो यहाँ से मास कितना बोलो 15 kg, रेडियस कितना है 3, और ये 4π स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी 1/9, तो फाइनली 2 पॉइंट ये आ जाएगा, रेडियस कितना है, यहाँ से रेडियस देखो तो रेडियस है 3 m, तो डिस्टेंस बिटवीन द किड है क्या, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रॉड वेयर द किड टू होल्ड इज 3 m, तो रेडियस एक्चुअली यहाँ पे गलती हो गया, ये जो ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली आर, ये वाला डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस आ जाएगा, रेडियस वो 3/2 आ जाएगा, दिस इज द रेडियस 3/2, नॉट 3, इट इज़ द 3/2, तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 1.5, और ये आ जाएगा 4π² = 1/9, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10π² तो ये वाली जो चीज़ है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।